नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके। शिक्षा मित्रों से संबंधित हमने अपनी लास्ट वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि शिक्षा मित्रों के बारे में उस बैठक में कोई भी बात नहीं हुई है, या कह लीजिए कि जो मीटिंग होने जा रही थी माननीय बी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें उन बिंदुओं में शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इसी को लेके शिक्षा मित्र थोड़े हताश हुए, निराश हुए और उन्होंने हमारी वीडियो पर आकर कमेंट भी किए कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी। तो उन सभी कमेंट के जवाब हम अपने संक्षेप में दे देंगे, एक दो लाइन में सभी को उत्तर मिल जाएगा। उस बैठक का क्या सार है ये भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। लास्ट में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हम अपनी डेली लाइफ के जो खास मोमेंट हैं उनको कैप्चर करके आपके सामने लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों की खबर को लेकर। माननीय बी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई जिसमें शिक्षकों के जिले के भीतर समायोजन की बात थी, जूता, ड्रेस, डीबीटी, इनको लेकर चर्चा थी, यूपी टेट को लेकर चर्चा थी, ये बिंदु थे मुख्य रूप से। लेकिन इसमें एक और था प्री प्राइमरी को लेकर और अन्य मुद्दे थे। इन दोनों बिंदुओं में ही शिक्षा मित्रों को लेकर चर्चा हुई है कल बैठक में, और काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से बात हुई। क्योंकि देखो इतना छोटा मामला नहीं है प्री प्राइमरी को स्कूल में लाना और उसमें शिक्षा मित्रों को किस तरह से समाहित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए बताते हैं कि कल इस पर शिक्षा मित्रों को लेकर चर्चा हुई है और अभी इस पर निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इसलिए थोड़ा और समय लग जाएगा। अभी एक महीना शायद लग जाए, दो महीने लग जाए जितना बता रहे हैं अपडेट के अनुसार, कि अभी इसमें एक या दो महीना और लग सकता है। लेकिन शिक्षा मित्रों को लेके मीटिंग में चर्चा, साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस बैठक में शिक्षा मित्रों से संबंधित अगर कोई चर्चा हुई है तो उसको बाहर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मंत्रीगण, कोई भी अधिकारी नहीं ला सकते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि शिक्षा मित्रों से संबंधित अगर कोई घोषणा होगी तो वो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। यही कारण है कि अभी तक शिक्षा मित्रों को लेके कोई भी बात सीधे तौर पर प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने नहीं कहते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होते हुए उनके मुखारबिंदु से ही इसका जो अंत होगा और वही इसकी घोषणा करेंगे। दूसरी खबर में हम आपको बता दें, ये तो शिक्षा में से जुड़ी अपडेट थी। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि यूपी टेट अक्टूबर में हो सकता है। ये बिल्कुल अभी अपडेट आई कि यूपी टेट जो है अक्टूबर में हो सकता है, क्योंकि इस बैठक में यूपी टेट को लेकर भी चर्चा हुई है। तो प्रस्ताव भेजा होगा, पास हो गया और अब अक्टूबर में यूपी टेट का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। बेसिक शिक्षा में आपको बताई है कि परिषदीय स्कूलों में रसोइयाँ खाना बनाती हैं, अब उन रसोइयों को टैबलेट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये टैबलेट प्रधानाध्यापक को मिलेगा, पहले प्रधानाध्यापक इसको इसकी ट्रेनिंग करेंगे कि खाना कैसे बनाएं, फिर वो जो है रसोई अपने विद्यालय की रसोइयों को ट्रेनिंग कराएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। जैसे दीक्षा ऐप पर हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह से रसोई आप ट्रेनिंग लेंगी टैबलेट पर कि खाना किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरह से सब्ज़ी धोई जाती है, काटी जाती है और कितनी मात्रा में कितनी चीज़ मिला के खाना बनाया जाता है, ये सब ट्रेनिंग उसमें है। 6 मॉड्यूल बताए थे उसके भी, कि उसमें 6 मॉड्यूल के अंतर्गत रसोई अपना खाना बनाना सीखेंगी। तो बेसिक शिक्षा की ये पहल है सभी को टैब्स के जरिए जोड़ने की शुरुआत है। अभी फ़िलहाल यही खबर थी शिक्षा मित्र को लेके, बेसिक शिक्षा को लेके। बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे अपडेट में। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।